आज 20 नवंबर और आप देख रहे हैं लर्न चिके वी तेजे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में लंदन शहर शीर्ष पर है। दोस्तों हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, आज के ये वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। यह रैंकिंग किसी भी शहर का विकास, मार्केटिंग, डिज़ाइन, टूरिज्म, ट्रैवल रिपोर्ट्स के आधार पर की जाती है। अब इस रैंकिंग में टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लंदन जो ब्रिटेन में है, सेकेंड है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, और थर्ड है पेरिस जो फ्रांस में है। और देखते हैं, भारत का दिल्ली शहर 62वें स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट का रेसोनेंस कंसल्टी लिमिटेड ने जारी किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया संधु किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों माया संधु मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों मालडोवा की बात करें तो मालडोवा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है किसिनो, इसकी करेंसी है मालडोवा लेव। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू को मिला है। ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो दोस्तों अभी दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू को मिला है। ये फुगाकू जापान देश का सुपर कंप्यूटर है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर प्रणाम है। तो दोस्तों अब जापान की बात करें तो जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसकी राजधानी टोक्यो जो होनशु द्वीप पर स्थित है। इसकी करेंसी है जापानी येन। इसके प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी को 11.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी को -11.5% से बढ़ाकर -10.6% कर दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अब मूडीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मूडीज़ कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके संस्थापक है जॉन मूडी और इसके CEO है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस और वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया है 19 नवंबर को। दोस्तों 19 नवंबर को ही वर्ल्ड मैन डे भी मनाया गया है, तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व के हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है और लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करना है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि थीम, तो दोस्तों ये जो विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार को
किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजय कुमार को बुरुडी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अजय कुमार वर्तमान में युगांडा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त है और अभी अजय कुमार को बुरुंडी देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बुरुंडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है गिटेगा। करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। उसके राष्ट्रपति है एवरिस्टे निदिशिमा। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ कर तीसरे नंबर पे आ गए हैं। दोस्तों टेस्ला जो कार होती है वो भी एलन मस्क की है। स्पेस एक्स जो अमेरिकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो भी एलन मस्क की है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों टॉप थ्री के नाम है। फर्स्ट पे जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक थे। सेकंड पे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। और थर्ड पे है एलन मस्क जो स्पेस एक्स के संस्थापक थे। अब दोस्तों एलन मस्क ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने देश के पहले दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने देश के पहले दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों ये दाई दीदी क्लिनिक क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक शुरू की है और इसे दाई दीदी क्लिनिक का नाम दिया है। इस क्लिनिक में महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चियों को अपने घरों के पास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में और ये भारत का 26वां राज्य बना था। कब? 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है अटल नगर नया रायपुर। मुख्यमंत्री है इसके भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है पी आर रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है हिल मैना। और राजकीय वृक्ष है साल। इसके सात पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड ओडिशा महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो चलिए और इसके और लोकसभा सीट कितनी होती है? 11। राज्यसभा सीट कितनी है? 5। और विधानसभा सीटें कितनी? 90। अचान कुमार और इंद्रावती यह दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। दोस्तों ये तो चैनल आप देख रहे हैं। दोस्तों इस पे हमने एक सीरीज़ भी शुरू की है 1000 एलिफेंट जीके क्वेश्चंस की। दोस्तों उसमें हम 4 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर से आपको 2 वीडियो तो प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और दोस्तों 2 और जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों जब अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से वो 2 वीडियो जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। और लोकसभा सीट है 29। राज्यसभा सीट है 11। और विधानसभा सीट है 230। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से रिचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों रिचा चड्ढा जो है वो भारतीय अभिनेत्री है। रिचा चड्ढा को यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश फैशन काउंसिल BFC ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों ब्रिटिश फैशन काउंसिल BFC ने पॉजिटिव चेंज के लिए प्रियंका चोपड़ा जोन्स को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो प्रियंका चोपड़ा है वो एक भारतीय अभिनेत्री है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्स और किस देश के बीच नील इंगल्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो दोस्तों मिर्स और सूडान देश के बीच नील इंगल्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नील इंगल्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, संयुक्त सैन्य शक्ति को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सागास्ती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों श्री सागास्ती पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा जो पेरू जो देश है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी लीमा, करेंसी है पेरू सोल और प्रधानमंत्री सीजर विलियानोवा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई गई है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इंदिरा गांधी का जन्म 9 नवंबर 1917 को हुआ था और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन है, भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसॉफी डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 19 नवंबर को मनाया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। यह दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और वैश्विक मुद्दों के समाधान में दार्शनिक ज्ञान के योगदान को बढ़ावा देना है। अब दोस्तों अभी तक आपने जितना ही पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया संधु किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, मालडोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुकागु को मिला है, ये फुकागु सुपर कंप्यूटर किस देश का है। तो दोस्तों फुकागु सुपर कंप्यूटर जापान देश का है। दोस्तों इंडिया का भी एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -11.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है -10.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों 19 नवंबर को वर्ल्ड मेंस डे भी मनाया गया है, विश्व पुरुष दिवस। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के नियुक्त रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अजय कुमार को बुरुंडी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर आ गया है। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों में एलन मस्क, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, ये एलन मस्क है, ये
इनकी जो टेस्ला कार आती है वो भी इनकी कंपनी है, और जो अमेरिका की स्पेस एक्स जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो भी इन्हीं की है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने देश में पहले दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने देश के पहले दाई दीदी क्लिनिक की शुभारंभ किया है। अब दोस्तों दाई दीदी क्लिनिक क्या है? दोस्तों ये महिलाओं, श्रमिक महिलाओं या बच्चियां जो भी होती हैं उनके घर के पास ही इलाज सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए करी गई है। अब चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत रत्न 2020 अम्बेडकर पुरस्कार से रीता चड्ढा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों रीता चड्ढा जो है वो भारतीय अभिनेत्री है, और इन्हें फिल्म जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश फैशन काउंसिल BFC ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों ब्रिटिश फैशन काउंसिल BFC ने पॉजिटिव चेंज के लिए प्रियंका चोपड़ा जोन्स को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र और किस देश के बीच नील इंगल्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो दोस्तों मिस्र और सूडान देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नील इंगल्स को आयोजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सागास्ती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों श्री सागास्ती पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सबसे तेज़ 500 देशों के बीच कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो दोस्तों भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज़ 500 देशों के बीच 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसॉफी डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 19 नवंबर को मनाया गया है। अब दोस्तों 19 नवंबर को 3 दिवस मनाए गए हैं, एक तो विश्व दर्शन दिवस, सेकंड वर्ल्ड टॉयलेट डे और थर्ड वर्ल्ड मेंस डे। दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे जहाँ पर जाके आप अपनी सारी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।